हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया स्टार हर्षा खांडेपारकर ने अपनी क्यूट लुक से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। दोस्तों, आज हम हर्षा खांडेपारकर की बायोग्राफी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर आप हमारे साथ में बने रहे, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चले दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम हर्षा खांडेपारकर है। हर्षा का जन्म 26 अक्टूबर 1992 को गोवा यहाँ पर हुआ। 2022 के हिसाब से अब ये 30 साल की हो चुकी है। अभी हर्षा पुणे में रहती है और ये नेशनलिटी से भारतीय और रिलीजन से हिंदू है। हर्षा की प्रोफेशन की बात करें तो हर्षा ये प्रोफेशन से एक्ट्रेस और मॉडल है। हर्षा की एजुकेशन की बात करें तो हर्षा ने स्कूल की पढ़ाई गोवा के प्राइवेट स्कूल से कम्प्लीट की है, तो कॉलेज इन्होंने पुणे से कम्प्लीट किया है। हर्षा एक दिन कॉलेज बंक करके पुणे के रोड पर घूम रही थी, तभी हर्षा को किसी डायरेक्टर ने देख लिया और टीवी ड्रामे की ऑफर दे डाली। यही से हर्षा की लाइफ चेंज हुई। हर्षा ने 2007 में दिया जले, तो 2008 में निलंजना, फिर 2020 में रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया है। दोस्तों, हर्षा ना सिर्फ टीवी ड्रामों में नजर आती है बल्कि फिल्मों में भी ये काम करती है। हर्षा ने काफी कम उम्र में काफी तरक्की हासिल कर ली है और साथ ही इनके टैलेंट पर इनको लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट और प्यार भी दिया है। हर्षा ये इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर हर्षा के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। दोस्तों, हर्षा की फैमिली के बारे में बात की जाए तो हर्षा की फैमिली में हर्षा के माता पिता एक भाई रहता है। हर्षा के माँ का नाम अलका खांडेपारकर है तो भाई का नाम नीलेश खांडेपारकर है। दोस्तों, हर्षा के रिलेशनशिप की बात की जाए तो हर्षा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अपनी लाइफ में सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षा के फिजिकल के बारे में। हर्षा की हाइट 5.5 इंच है और वेट 55 kg है। हेयर कलर ब्राउन है और आई कलर भी ब्राउन है। दोस्तों, आपको हर्षा पांडेकर की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।